हाई फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर विद अ ब्यूटीफुल एंड एन एनर्जेटिक बुक जिसका नाम है इकिगाई। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अनोखी और इंटरेस्टिंग बुक के साथ हाजिर हुई हूँ। इकिगाई बुक बेस्ड है जैपनीज कल्चर पर, इसके साथ साथ इसमें चाइनीज और इंडियन कल्चर को भी दिखाया गया है। आई वॉज सो प्राउड व्हेन आई रेड दिस बुक की इतनी अच्छी बुक में इंडियन कल्चर को भी दिखाया गया है। इस बुक के राइटर्स हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलेस। बेसिकली बुक का नाम इकिगाई रखा गया है इस शब्द के विशेष अर्थ के कारण। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का सर्वोच्च कारण। जापान का एक छोटा सा शहर है ओकिनावा। उस शहर की खास बात है कि वहां पर रहने वाले अधिकतर लोग 100 से ज्यादा साल तक जीते हैं। वो 100 की उम्र में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होना चाहते। उनकी सेहत और खुशी का राज है उनके जीवन की इकिगाई। ओकिनावा के लोगों का कहना है कि इकिगाई वो कारण है जिसके लिए वो रोज सुबह अपने बिस्तर से उठकर कूद कर बाहर आते हैं। इकिगाई उन्हें जीवन जीने का आनंद और उन्हें लंबा जीवन जीने का उद्देश्य देती है। सभी की इकिगाई अलग अलग हो सकती है, बट होती सबकी है, केवल उसे पहचानने की देरी है। इस बुक में जैपनीज टेक्निक पर बेस्ड बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो लगती तो बहुत साधारण है लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसे वहाँ की स्पेशल डाइट, एक्सरसाइज, फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज। एक एक करके मैं वो सभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। अगर आपको अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है तो उसे अब पहचानिए। उसे पहचानने का जैपनीज फॉर्मूला बहुत कारगर है। सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, जिसे करने से आप कभी बोर फील नहीं करते। उसे आप बिना रुके पूरे दिन कर सकते हैं। ये पता लगने के बाद अगला स्टेप आता है कि क्या वो काम ऐसा है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड को कितना है। तीसरा स्टेप है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको वो काम करने के लिए पैसे मिलेंगे। चौथा स्टेप है व्हाट यू आर गुड एट, मतलब क्या आप उस काम में अच्छे हैं। इन चारों स्टेप्स का मिश्रण आपको जिस काम में मिले वही है आपका इकिगाई। For example, I love to teach. Yes, this is what world needs. And I can be paid for. And I am very good at. So I have found my ikigai. Now it's your turn. According to Japanese culture, life में एक purpose होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि retirement का idea वहाँ पर exist ही नहीं करता। दूसरा हमारा point आता है anti-aging secrets. Japanese की longevity का राज है उनका डी स्ट्रेस रहना। अकॉर्डिंग टू देम, स्ट्रेस आपको आपकी एक्चुअल उम्र से ज़्यादा बना देता है। वहाँ के लोग इतनी लंबी आयु इसलिए जी पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं और वो अपनी एक्चुअल उम्र से भी ज़्यादा यंग दिखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही ओकिनावा वासी लो लेवल स्ट्रेस को बेनिफिशियल मानते हैं। उनका कहना है कि स्मॉल डोज ऑफ स्ट्रेस इज पॉजिटिव थिंग। जो लोग लो लेवल स्ट्रेस के साथ जीते हैं उनमें ज़्यादा हेल्थ हैबिट्स डेवलप होती है, कम स्मोक करते हैं और लेस अल्कोहल लेते हैं। जैपनीज का मानना है कि ज़्यादा देर तक सिटिंग वर्क आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। स्पेंडिंग टू मच टाइम सिटिंग एट वर्क एंड एट होम न केवल आपके मसल्स की फिटनेस को रिड्यूस करता है बल्कि आपकी एपेटाइट को भी बढ़ा देता है। इससे आप कम एज में ही ज़्यादा ओल्ड फील करने लगते हैं। सो जितना हो सके उतना ये जैपनीज एक्टिव रहते हैं, जिससे इनकी आयु 90 से 100 वर्ष तक पहुंच जाती है और फिजिकल एक्टिविटी भी कम नहीं होती। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। एक समय में केवल एक ही चीज पर फोकस करना इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग फ्लो। जब हम अपने किसी मनपसंद काम को करना चाहते हैं तो करते समय हम अदर चीज भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया है, हम उस एंजॉयमेंट के फ्लो में बहते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को स्कीइंग करना पसंद है तो वो बर्फ को फील करेगा, उसमें घूमते हुए अपने आप को, अपनी बॉडी को फील करेगा। वो उन सारी बातों को, चीज़ों को भूल जाएगा जो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड देन योर ईगो डिजॉल्व्स एंड बिकम पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। हम सभी ये फ्लो फील कर सकते हैं, बशर्ते कि हम पास्ट और फ्यूचर की जगह प्रेजेंट में जिए। ओकिनावा वासी भी अपने प्रेजेंट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और इट कैन हेल्प टू डिस्कवर आवर इकिगाई। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर ऑफ लॉन्गेविटी। मैं आपको कुछ उन सेंटेनेरियंस के विचारों से, उनकी सोच से रूबरू कराना चाहती हूँ।
आई एम श्योर कि आप उनके विचारों से जरूर इंस्पायर होंगे। क्या आप सभी जानना चाहेंगे कि इन सेंटेनेरियंस में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि वो इतने खुश और उत्साहित रहते हैं? ओकिनावा की रहने वाली मिसाओ ओकावा, जिनकी आयु 117 वर्ष है, इनका कहना है कि ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। एक और लेडी है जिनका नाम है मारिया कोपा, इनकी आयु 116 वर्ष है और इनका कहना है कि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में मांस नहीं खाया। शायद यही कारण है कि उन्होंने लंबा समय और लंबा स्वस्थ जीवन जिया। वॉल्टन ब्रूइंग, जो अपनी लाइफ की 3 सेंचुरी देख चुके थे, उनका कहना है कि यू कीप योर माइंड एंड योर बॉडी बिजी, यू विल बी अराउंड अ लॉन्ग टाइम। आवर 5th लेसन इज लेसन्स फ्रॉम जापानीज सेंटेनेरियंस। जापान के ओकिनावा शहर में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा आयु वाले लोग रहते हैं और अपने जीवन के अंतिम चरण तक वे उतने ही खुश उतने ही उत्साहित होते हैं जितने कि वो तब थे जब वो जवान थे। तो सवाल आता है कि ये कौन से फैक्ट्स हैं, वो कौन से रूटीन हैं जिसे ये सभी सेंटेनेरियंस फॉलो करते हैं। इट इज़ टाइम टू लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम दीज पीपल। सो आवर 1st लेसन इज कम्युनल लाइफ। ऑल सेंटेनेरियंस में ये बात कॉमन है कि इनकी कम्युनल लाइफ बहुत स्ट्रांग होती है। दीज पीपल आर वेरी मच एक्टिव इन देयर सोशल लाइफ। ये सभी हमेशा साथ में सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो या फिर किसी की बर्थडे पार्टी, हमेशा ग्रुप्स में ही सेलिब्रेट होती है। सेकेंड लेसन, डोंट वरी। ये लोग स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं क्योंकि ये आज में जीते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता में अपना जीवन नहीं गंवाते। कल्टिवेट गुड हैबिट्स। इन सभी का डेली रूटीन बहुत हेल्दी होता है जो पूरे दिन इन्हें चार्ज रखता है। सुबह जल्दी उठना, अपने खेतों को पानी देना, गार्डन की देखभाल करना, एक्सरसाइज करना, ये सभी गुड हैबिट्स इन्हें एनर्जेटिक बनाती हैं। नर्चर योर फ्रेंडशिप एवरीडे। ये सभी ना केवल अपनों से बल्कि बाहर से आए हुए मेहमानों को भी बहुत प्रेम और आदर देते हैं। ये अपने दोस्तों का, अपने जानने वालों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनकी सेवा करना इन्हें बहुत पसंद है। लीव एन अनहरिड लाइफ। ओकिनावा वासी का मानना है कि द सीक्रेट ऑफ अ लॉन्ग लाइफ इज ऑलवेज सेइंग टू माई सेल्फ स्लो डाउन एंड रिलैक्स, यू विल मच लॉन्गर इफ यू आर नॉट इन हरी, बी ऑप्टिमिस्टिक। सभी लोग बहुत ही आशावादी हैं और इसी सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। Our 6th point is ikigai diet। जैसा कि हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि ओकिनावा में वर्ल्ड के मैक्सिमम सेंटेनेरियंस रहते हैं, इसके पीछे इनका डेली रूटीन और ऑफ कोर्स स्पेशल डाइट है। यहाँ के लोकलिटीज अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, लगभग 206 तरह के फूड टाइप्स को अपना डेली डाइट में शामिल करते हैं। इस तरह से ऑन एन एवरेज 18 तरह के डिफरेंट फ्रूट को डेली बेसिस पर इंक्लूड करते हैं। इनका खाना बहुत ही रंग बिरंगा होता है, लाइक अ रेनबो। ये लगभग 7 रंग के डिफरेंट फ्रूट और वेजिटेबल्स लेते हैं। व्हाइट राइस इनके खाने का अभिन्न अंग होता है एंड दे रेयरली ईट शुगर एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओकिनावासी 80% रूल को फॉलो करते हैं। इनका मतलब है कि जब आपको लगे कि आपका 80% पेट भर चुका है तो आपको उसी टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन तक की फास्ट को रेकमेंड करते हैं, मतलब 5 डेज नॉर्मल खाना और 2 डेज का फास्ट आपकी हेल्थ को बैलेंस में रखता है। इनके यहाँ का स्पेशल फ्रूट है शिकुआसा। दिस फ्रूट इज अ सिट्रिक फ्रूट, ऑल्सो कंटेंट विटामिन सी, B1, बीटा कैरोटीन एंड मिनरल्स। आवर 7th पॉइंट इज जेंटल मूवमेंट एंड लॉन्ग लाइफ। It is said that the people who live long are not the ones who the most exercise, but rather the ones who move the most. Okinawa वासी योगा, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार को डेली फॉलो करते हैं। इनका मानना है कि मूवमेंट और ब्रीदिंग, ये 2 components बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को हमारी बॉडी के साथ अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री साइलेंस। बुद्धिज्म का भी जिक्र किया गया है। कभी ना कभी हम सभी को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है और इस सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं ये हमारी लाइफ की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस ला देता है। लाइफ के इन अप्स एंड डाउन्स को रिकन्फ्रंट करने के लिए हमारे माइंड, बॉडी और इमोशंस के स्टेटस को
प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। रीसाइलेंस वो एबिलिटी है जो हमें अपने सेटबैक से डील करना सिखाती है। द मोर रीसाइलेंट वी आर द ईजियर इट विल बी पिक आर सेल्फ अप एंड गेट बैक टू व्हाट गिव्स मीनिंग टू आर लाइफ। जब हम अपनी लाइफ के पर्पस के लिए जीते हैं तो हम ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं, और जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सो वी फील डिसअपीयर्ड। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, बस ये याद रखना चाहिए कि हम अपने आप को बिजी रखें।